सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। साथियों, आज का प्रसंग है हनुमान जी अशोक वाटिका में। हनुमान जी सीता की खोज के लिए अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं श्री राम की पत्नी सीता का दर्शन ना कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष है। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी बेहदी को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार, नाग केसर और बंदर के मुख की भांति लाल फल देने वाले आम भी सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आविशिष्ट हो रहे थे। हनुमान जी प्रतंज्ञा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के करलव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विगम और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भंवर सेवन करते थे। उस वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसनी उसे घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्परिणी के समान शीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित और दुखी थी, सर्वथा शिणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्लभ हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षणी होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वनश्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि हो ना हो यह सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय के रूप में निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन में अट्टालिकाओं की खाक छानी है। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवनसुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो चली। वे सुध-बुध भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते। वे इसी विचारधारा में डूबे उतराती रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चेतन होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे, जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके। साथियों, आज के प्रसंग में हमने जाना हनुमान जी अशोक वाटिका में। अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय जय श्री राम।